हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ पॉलमी एंड वेलकम टू माय चैनल बाइफोकल जिंदगी। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज दोपहर से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह मैंने खाना वाना सारा कुछ बना लिया और नहा के अभी थोड़ा मतलब बाहर जाऊँगी। आज है 13th September और कल 14th September को मनोजीत का बर्थडे है। तो सोच रही हूँ थोड़ा कुछ मतलब डेकोरेशन वगैरह ये सब लेके आऊँ, क्योंकि वो तो ऑफिस चला गया है, तो थोड़ा सरप्राइज़ होगा वो। थोड़ा घर को सजाऊँगी और ये सब नहीं ला पाई थी इतने दिन, बिकॉज उसका मतलब छुट्टी था ना, तो वो घर पे रहेगा। मैं ऑर्डर भी करूँगी तो आएगा तो वो देख लेगा, इसलिए मैं नहीं लाई। तो आज वो ऑफिस गया है, तो अभी इसी टाइम पे मैं जाके सारा कुछ लेके आऊँगी। सोच रही हूँ केक मैं नहीं ला रही हूँ, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो भेज रही है केक। उस वो बोली है कि भाभी आप मत लाओ, भैया के लिए मैं केक भेज दूँगी। तो मैं इसके लिए मैं और केक नहीं लाऊँगी, क्योंकि दो केक हो जाएगा तो कौन इतना सारा खाएगा। हम दो ही आदमी हैं और मनोजीत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करता है, तो वो तो एक दो पीस ही खाएगा, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा। और मेरे से इतना केक फिर फिनिश करना नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो वो केक ला रही है तो मैं बाकी का जो है वो करती हूँ, नहीं तो मैं केक तो ज़रूर लाती। और गिफ्ट भी उसके लिए जो भी है वो मैं मतलब ऑलरेडी मंगवा चुकी हूँ, 2-4-5 दिन पहले ही आ गया था, तो वो मैं बाद में शेयर करूँगी। वो भी उसके लिए कंप्लीट सरप्राइज़ है, उसको नहीं पता कि क्या है गिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं, आपके साथ जो भी होगा शेयर करूँगी। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर मैं शूट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मुंबई पे बारिश हो रहा है और कैमरा निकाल के शूट करना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं वापस आके मिलती हूँ आप लोगों से और आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या खरीद के लेके आई हूँ। शॉपिंग करके तो वापस आ गई और उसके बाद मैंने लंच भी कर लिया, क्योंकि आते आते काफ़ी लेट हो गया था। तो कुछ कुछ सामान मैं ख़रीद के लेके आई हूँ। और मेरी सिस्टर इन लॉ जो केक भेजने वाली थी, तो वो केक भी डिलीवर हो गया है, लेकिन केक का लुक मैं फाइनली तभी रात को ही रिवील करूँगी। अभी और नहीं खोल रही हूँ, फ्रिज में रख दिया मैंने आने के बाद। और क्या क्या मैं लेके आई हूँ दिखाती हूँ अभी। फिर थोड़ा घर को सजाऊँगी, थोड़ा डेकोरेट करूँगी, मनोजीत ऑफिस से आने से पहले ये सब काम ख़त्म करना है मुझे। तो दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले ये एक बलून पम्प मैं लेके आई हूँ, और यहाँ पे है ब्लैक एंड गोल्डन बलून्स, ये कुछ लेके आई हूँ मैं। और एक ये कर्टेन और एक हैप्पी बर्थडे बैनर। और ये देखिए एक टी शर्ट मैं लेके आई हूँ, क्योंकि सोच रही हूँ एक नया टी शर्ट पहन के केक कटेगा, इसलिए अभी एक टी शर्ट लेके आई हूँ। और एक गिफ्ट है, और भी एक गिफ्ट है उसका, तो वो सरप्राइज़ है, मैं नहीं अभी रिवील कर रही हूँ। वो भी आपको तभी देखने को मिलेगा केक कटिंग के टाइम, तो पूरे ब्लॉग को आप देखते रहिए। तो यही है हम लोगों का आज का प्रिपरेशन, देखती हूँ वो कितना खुश तो होगा ज़रूर, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा इतना कुछ मैं करूँगी। और वो मुझे बोल के भी रखा था कि ज़्यादा कुछ मत करना मेरे बर्थडे में, उसको पसंद नहीं है, लेकिन क्या करे, बर्थडे है, ऐसे थोड़े ना जाने दे सकते हैं। तो इसलिए तो चलिए अभी पहले घर को सजा लेते हैं जल्दी जल्दी से। Thank you.
पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। बलून्स और भी है लेकिन मैं और नहीं लगाऊंगी क्योंकि इतना सारा कौन डेकोरेशन करेगा और उतना जगह भी नहीं है, थोड़ी से जगह में ही मैं कर रही हूँ। तो रुकिए दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है अभी। ये है पूरा डेकोरेशन बस। मोनोजीत ऑफिस से निकल गया है, मैंने फ़ोन किया था तो अभी वेट करती हूँ, वो आएगा तो कोशिश करूँगी कैप्चर करने के लिए कि वो उसका रिएक्शन क्या रहता है ये डेकोरेशन देख के। शॉक्ड हो गया ये बिल्कुल। क्या कैसा लगा बताओ थोड़ा। बहुत अच्छा लगा, हाँ सरप्राइजेस मिलने से अच्छी लगती है। क्या किया पता है, बाहर ही रुक गया था ऐसे करके, पता नहीं कैमरे में आया है कि नहीं, बाहर ही रुक गया था, अंदर नहीं आ रहा था, बिल्कुल शॉक्ड। अच्छा लगा, मतलब वो मेरा मेहनत रंग लाई। अभी उसके लिए फिर से गिफ्ट लेके जा रही हूँ, उसको देती हूँ, देखती हूँ क्या बोलता है। स्मॉल गिफ्ट। यार यू हैव लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर मी यार। इट थिंग स्टार्ट हलो। कलर अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा यार, मेरे पास ऐसा कलर का है नहीं। दिस इज नाइस वन, थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक्स इट। हे गाइस, अभी मैं रात को फिर से आ गई और ये मैं रेडी हो गई हूँ और पीछे देखिए केक्स वगैरह सारा कुछ रेडी कर लिया। अभी 12 बजने को ही है तो केक कटिंग होगा, तो मैं शूट करने की कोशिश करूँगी ये पूरा जो भी अभी हो इवेंट होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, मैं रिकॉर्ड करती जाऊँगी, ठीक है? और बाद में लास्ट में मैं सारा पिक डाल दूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। कैसे मतलब क्या पहना है, क्या है सब कुछ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ये देखिए वॉयस का न,
अपना डिजिटल वॉच मेरे लिए मेरी वाइफ ने खरीदा है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट बिकॉज मैं घड़ी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे घड़ी कलेक्शन करना बहुत पसंद है. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. इसको तो बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा. देखिए ये मतलब यार वन ऑफ माई यू नो फेवरेट बर्थडे ऑल टुगेदर. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा अरेंजमेंट. अच्छे से रहो, खुश रहो. तो यहाँ से हम दोनों आज आप लोगों से विदा लेते हैं. ये मोनोजीत का बर्थडे ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताना, अच्छा लगा हो तो शेयर करना, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और उसके पास जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए. मिलेंगे फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में. तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग व्हाट बाइफोकल जिंदगी. बाइफोकल जिंदगी. बाय बाय.